यानी अब 5 दिन तक सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे मनीष सिसोदिया, अगले 5 दिन। यह इस वक्त की अपडेट सीधे दिल्ली की राउज एवेन्यू की सीबीआई कोर्ट से आ रही है। सीबीआई ने 5 दिन की ही रिमांड मांगी थी और 5 दिन की ही रिमांड सीबीआई को कोर्ट से मनीष सिसोदिया की मिल गई है। तो एक कामयाबी तो इसे सीबीआई के लिए फिलहाल शुरुआती तौर पर कहा ही जा सकता है। 4 तारीख तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे मनीष सिसोदिया। लेकिन सुनील, अब कांग्रेस भी तो देखिए ना, कांग्रेस की और आपकी लाइन मिल क्यों नहीं रही है अगर मनीष सिसोदिया को सताया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को सताया जा रहा है तो? नहीं, वो लाइन इसलिए नहीं मिलती, माना कि मैंने आपके अलग अलग, यानी अब 5 दिन तक सीबीआई की रिमांड पर रहेंगे मनीष सिसोदिया, अगले 5 दिन। यह इस वक्त की अपडेट सीधे दिल्ली की राउज एवेन्यू की सीबीआई कोर्ट से आ रही है। सीबीआई ने 5 दिन की ही रिमांड मांगी थी और 5 दिन की ही रिमांड सीबीआई को कोर्ट से मनीष सिसोदिया की मिल गई है। तो एक कामयाबी तो इसे सीबीआई के लिए फिलहाल शुरुआती तौर पर कहा ही जा सकता है। 4 तारीख तक सीबीआई की कस्टडी में रहेंगे मनीष सिसोदिया। लेकिन सुनील, अब कांग्रेस भी तो देखिए ना, कांग्रेस की और आपकी लाइन मिल क्यों नहीं रही है अगर मनीष सिसोदिया को सताया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को सताया जा रहा है तो? नहीं, वो लाइन इसलिए नहीं मिलती, माना कि मैंने आपके अलग अलग। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।